हेलो दोस्तों, रियलिटी अनबॉक्सिंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं वो है प्रोविडेंट पाम वीस्टा। ये एक हाईवे टच प्रोजेक्ट है जो कि आ रहा है शीलफाटा में। तो प्रोजेक्ट पे जाने से पहले आइए जानते हैं कुछ बिल्डर के बारे में। पूर्वंकरा लिमिटेड एक वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग रियल एस्टेट कंपनी में से है। इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1975 में। इनको 48 प्लस ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इनका प्रेजेंस मुंबई के साथ साथ बैंगलोर, चेन्नई, कोचिन, गोवा में भी है। इन्हें काफी सारे अवार्ड से भी नवाजा गया है। 2022 में इन्हें कंस्ट्रक्शन टाइम BAM अवार्ड भी मिला है और 2023 में इन्हें रियलिटी प्लस कॉन्केव एंड एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला है। इन्होंने 42,000 प्लस होम्स डिलीवर कर दिए हैं और 44 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया भी सक्सेसफुली डिलीवर कर दिया है। इनके कुछ रिसेंट प्रोजेक्ट्स है पूर्वा क्लेरमोंट चेंबूर, प्रोविडेंट नियोरा बैंगलुरु और प्रोविडेंट स्काईवर्थ मैंगलोर। आइए जानते हैं अब इसके लोकेशन के बारे में। ये एक हाईवे टच प्रोजेक्ट है प्रोविडेंट पाम वीस्टा। ये मुंबई के शीलफाटा एरिया में आ रहा है। शीलफाटा लोगों का एक पसंदीदा लोकेशन बनता जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे कंस्ट्रक्शन के काम भी चालू है। यहाँ पे 50 प्लस ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स है। इस प्रोजेक्ट्स के आसपास रेप्यूटेड स्कूल, कॉलेजेस और मार्केट्स है। शीलफाटा काफी इजीली कनेक्ट हो जाता है थाने, दिवा, ऐरोली, मुलुंड और घनसोली जैसे एरिया से। अगर आप नवी मुंबई में ऐरोली, घनसोली जैसे एरियाज में जॉब करते हैं तो आप बाय रोड काफी इजीली पहुंच सकते हैं यहाँ से। लोकेलिटी के आसपास काफी अपकमिंग डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, जिसके वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टीज के वैल्यू बढ़ने के चांसेस है। यहाँ पे नवी मुंबई एयरपोर्ट, पारसिक टनल, वाटर टैक्सी सर्विस, ऐरोली कटई टनल, कोपर खैराने, विक्रोली लिंक रोड, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, नवी मुंबई कोस्टल रोड और विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर, ऐसे डेवलपमेंट्स आने वाले हैं इसके आसपास। तो आइए जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये एक थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट पाम ट्रीज से सराउंडेड है। ये 16 एकर्स के टाउनशिप पे आ रहा है। इस प्रोजेक्ट में 60% ओपन स्पेस है। इसमें पहले 3 टॉवर्स लॉन्च हो चुके हैं जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है। बस इसमें कुछ ही इन्वेंट्रीज बची है। अब ये 2 न्यू टॉवर्स लेके आए हैं जिसमें G+30 फ्लोर्स आपको मिलेंगे। इसमें आपको 1, 2 और 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे। 1 BHK में 400-450 का कारपेट एरिया होगा जिसकी प्राइसिंग हो सकती है 41 लाख। 2 BHK में 620-640 का कारपेट एरिया होगा जिसकी प्राइसिंग हो सकती है 75 लाख। 3 BHK में 760-770 का कारपेट एरिया होगा जिसकी प्राइसिंग हो सकती है 80-90 लाख। ये जो प्राइसिंग है ये अभी टेंटेटिव है क्योंकि अभी लॉन्च चल रहा है, तो इसकी एग्जैक्ट प्राइसिंग आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इसकी रेरा पोजीशन है दिसंबर 2027, पर बिल्डर का मानना है कि वो दिसंबर 2025 से ही पोजीशन देना शुरू कर देंगे। तो आइए बात करते हैं इसके एमिनिटीज के बारे में। इसमें 60 प्लस एमिनिटीज दी जाएंगी जैसे कि स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, बैंक्वेट हॉल, बॉक्स क्रिकेट, योगा कोर्ट, जिम्नासियम और भी ऐसे बहुत सारे एमिनिटीज दी जाएंगी। तो आइए बात करते हैं इसके प्रोस के बारे में। ये एक हाईवे टच प्रोजेक्ट है। अगर आप नवी मुंबई से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो आपके लिए ये लोकेशन बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आप इस लोकेशन में इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख रहे हैं तो अपकमिंग डेवलपमेंट की वजह से प्रॉपर्टी का एक अच्छा अप्रिसिएशन मिल सकता है। ब्रांड लोधा और गोदरेज जैसे ब्रांडेड प्लेयर्स ना होते हुए भी ये बिल्डर का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। तो आइए बात करते हैं अब इसके कॉन्स के बारे में। पोजीशन, इसके पोजीशन में अभी थोड़ा टाइम है। अगर आप रेडी टू मूव इन और नियर बाय पोजीशन देख रहे हो तो आप दूसरे प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाल फिलहाल प्रोजेक्ट के आसपास कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है। तो आइए जानते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपकी कनेक्टिविटी लोकल ट्रेन की नहीं है और अगर आप बाय रोड ट्रैवल करने में ओके है तो आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। क्योंकि शीलफाटा में ये एक हाईवे टच प्रोजेक्ट है और इसका ब्रांड भी काफी अच्छा है, तो आपको इसको एक बार जरूर विजिट करके देखना चाहिए। अगर आपको साइट विजिट चाहिए तो हम आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।